अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक जेल का रिव्यू। ये कैंडिड वी जेल है, यानी स्पेशली वजाइनल के लिए है। जो इसका जो कंपोजिशन है वो है क्लोट्रिमाजोल वजाइनल जेल, और इसके अंदर एक एप्लीकेटर भी दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी क्वांटिटी 30 ग्राम्स है और इसकी जो कीमत है वो है 133 रुपीज़। 133 में आपको 30 ग्राम्स का ये मिल जाता है। और इसको आपको अप्लाई करना है जनरल एरियाज में, अब आफ्टर क्लीनिंग पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर ले, फिर ये क्रीम दें। मैं सिर्फ नाइट में ही देती हूँ, आप इसको चाहे तो दिन में 2 बार दे सकते हैं, बट आपको एयर पास होना चाहिए। तो फ्रेंड, इस कैंडिड वी जेल को लगाने के बाद मैं अपनी जो पर्सनल रिव्यू है बता रही हूँ। मुझे ठीक नहीं हुआ, मुझे थोड़ा इचिंग नहीं पर मुझे बर्निंग सेंसेशन होता था, तो अभी भी वो हो रहा है, इससे कम नहीं हुआ है। तो मैं जाऊंगी जाकर फिर बोलूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, काम क्यों नहीं कर रहा है। तो शायद वो दूसरा कुछ दे या फिर इसी को कंटिन्यू करने के लिए बोले, देखा जाता है वो क्या करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये ग्लेनमार्क का है, आप देख सकते हैं ग्लेनमार्क कैंडिड विजन। कैंडिड नाम से पता चल रहा है आपको, ये जो है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करता है। जी बिल्कुल, पर मेरा जो प्रॉब्लम है वो इचिंग नहीं है, वो बर्निंग है। तो आई होप कि ठीक हो जाए। तो मैं आपको इसके जो अंदर है वो दिखा दें। ये एप्लीकेटर है, मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी फिंगर ही इस्तेमाल करती हूँ। है तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। वो इसके लिए तो मैं एक ही सलाह दूंगी कि साफ़ रखे, ड्राई रखे। एंड डॉक्टर, अगर आपको ठीक होता है, ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर से बिल्कुल सलाह ले। और आप ऐसा ना करें कि डायरेक्ट जाकर एक खरीद लिया और फिर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका थोड़ा भी डिफरेंट हो या फिर हल्का कुछ इचिंग हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, इसके लिए हमें सीरियस भी होना चाहिए। तो यही इसका रिव्यू था, इस क्लोट्रिमाजोल वेजिनल जेल का रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं बेशक कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।